दोस्तों ये रही 2023 की लेटेस्ट मॉडल हीरो की HF डीलक्स सेल्फ स्टार्ट का नेक्सस ब्लू कलर और इसकी माइलेज कितनी है, टॉप स्पीड कितनी है, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और इसके सभी मॉडल की डिटेल में ऑन रोड कीमत कितनी है सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस बाइक के फ्रंट वाले वाइजर को देखेंगे तो यहां पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। नीचे में हीरो का 3D में लोगो और मेन हेडलाइट की अगर हम बात करें तो इसमें 35 वाट का हेलोजन बल्ब का यूज किया गया। LED का यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। साइड में हेलोजन टाइप के नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत टूटने का खतरा रहेगा। बाकी यहाँ पर आपको ब्लू और सिल्वर कलर के ग्राफिक्स का सेटअप मिलता है। सबसे पहले मैं यहाँ से चाबी को ऑफ कर देता हूँ, इंजन को बंद कर देता हूँ। इसका जो आगे वाला मडगार्ड है वो आपको थोड़ी सी नई डिज़ाइन के साथ मिलता है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ। मडगार्ड के दोनों साइड में आपको दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो कुछ परसेंट आगे वाली ब्रेक भी काम करती है। और आगे में आपको 2/75/18 का ट्यूब वाला टायर मिलता है। इस बाइक में आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं। अगर आप HF डीलक्स का कोई भी वेरिएंट लेते हैं, चाहे वो बेस हो या टॉप हो, सभी में आपको ट्यूब वाले टायर ही देखने को मिलते हैं। बाकी इस बाइक में अभी तक साइड में कोई भी अपडेट इसके बॉडी स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो वही स्प्लेंडर प्लस वाले टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर सस्पेंशन और सिल्वर कलर के अलॉय, सिल्वर कलर का इंजन और सिल्वर कलर की यहाँ पर आपको पूरी की पूरी बाइक में थीम मिलती है। इसके फ्यूल टैंक के ऊपर में हीरो का स्टिकर है। यहाँ पर हीरो का 3D में लोगो नहीं दिया गया है। ब्लू और सिल्वर कलर के काफ़ी शानदार ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड पैनल के ऊपर भी HF डीलक्स का स्टिकर है। यहाँ भी 3D में कुछ भी नहीं दिया गया है। बाकी ये जो पैनल हैं वो आपको प्लास्टिक बॉडी के मिलते हैं। और सीट काउल के ऊपर में आपको ड्यूअल टोन कलर के काफ़ी शानदार ग्राफिक्स। और सबसे बड़ा जो अपडेट किया है वो है इस बाइक में सीट को लेकर। इसकी जो सीट के अंदर की जो कुशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है। जो पुरानी वाली HF डीलक्स आती थी उसमें आपको इतनी ज़्यादा सॉफ्ट सीट नहीं मिलती थी। 800 mm के आसपास सीट ऐड मिल जाती। बाकी इसके एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं किया है। लेकिन देखा जाए तो स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले इसका जो एग्जॉस्ट है वो एकदम सेम का सेम देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं रबड़ की ग्रिपिंग के साथ। और रियर में आपको 2-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर मिलता है, जबकि स्प्लेंडर में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर मिलता है। इसके रियर में भी आपको 2/75/18 का ट्यूब वाला टायर मिलता है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलते हैं। और पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है। और फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको मिलता है 9.6 लीटर का, जिसके ऊपर में हीरो कस्टमर केयर का नंबर आपको दिया जाता है। इस बाइक की जो हैंडल वार है वो आपको क्रोम में मिलती है। स्पीडोमीटर यहाँ पर आपको एनालॉग में मिल जाता है। अगर आप इसको 40 से 60 के बीच में चलाएंगे तो ये बाइक आपको 65 से 70 का माइलेज 1 लीटर में निकाल कर दे देती है। नीचे में साइड स्टैंड की वार्निंग लाइट, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन और हेडलाइट, ऊपर में एनालॉग फ्यूल गेज दिया गया है। बाकी ये जो साइड मिरर हैं वो आपको वही स्प्लेंडर प्लस वाले, यहाँ पर आपको सेम स्विचेस मिल जाते हैं। स्प्लेंडर प्लस वाले लेफ्ट में और राइट में आपको मिलता है सेल्फ स्टार्ट और यहाँ पर ITS का बटन नहीं है जैसा कि वाला मॉडल है। तो चलिए मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड को सुना देता हूँ। तो आपको इसके इंजन का, इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबल और सेफ्टी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया। ये इसका ब्रेक पैड, एडजस्टेबल फुटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, किक स्टार्ट का लीवर मिलता है, इंजन यहाँ पर आपको मिलता है FI वाला प्रोग्रामेड FI, पावर स्टार्ट मिल जाता है। बाकी ये जो इंजन है वो डिजाइन में ही अलग है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस वाली पावर देता है। यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर, स्पार्क प्लग और यहाँ पर कैटलिटिक कन्वर्टर और यहाँ पर 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। क्रैश गार्ड आपको मिलता है कंपनी फिटेड। इसमें दिया है 97.2 cc का एयर कोल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHC इंजन। ये इंजन 8.02 PS की पावर देता है 8000 RPM पर, 8.05 Nm का टॉर्क पैदा करता है 6000 RPM पर। 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 80 से 85 km/h के आसपास चली जाती है, जो कि प्लेटिना से काफ़ी ज़्यादा है। इस बाइक का कर्व वेट है 112 kg और पीछे में सिल्वर ग्लॉसी फिनिश का यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, हीरो का स्टीकर और नीचे में हेलोजन टेललाइट आपको मिलती है और नॉन फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर का सेटअप मिल जाता है। तो कंपनी को कम से कम इसमें जो है वो फ्लेक्सिबल वाले इंडिकेटर को देना चाहिए, जिससे टूटने का जो खतरा है वो बिल्कुल भी ना रहे। और साइड में कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है और यहाँ भी आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट,
दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो चैनसेट कवर है वो आपको प्लास्टिक का मिलता है, जबकि स्प्लेंडर प्लस में आपको मेटल बॉडी का चैनसेट कवर मिलता है, लेकिन प्लास्टिक का भी अच्छा रहता है जिसमें जंग वगैरह नहीं लगती है। इसमें प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है, तो इस बाइक को मेंटेन करने के लिए इसमें आपको कम से कम 1.5 लीटर आपको पेट्रोल इसमें रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका जो फ्यूल पंप है वो ख़राब हो सकता है, बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आपको 4 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, बाइक में आपको 4 गियर मिलते हैं, पीछे से डाले जाते हैं, आगे से निकाले जाते हैं। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन गड़ॉप का सेंसर। तो दोस्तों अगर आपकी जो हाइट है वो 5 फीट से लेकर 5.5 फीट के बीच में है और आपका जो बजट है वो 70 से 75 हज़ार के बीच में है तो आप इस बाइक को आसानी से ले सकते हैं। ये जो बाइक है वो मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि इसमें आपको प्लेटिना 100 से काफ़ी अच्छी पावर देखने को मिलती है। तो प्राइस की बात करें तो HF डीलक्स ऑल ब्लैक कलर की एक्सोरूम कीमत है 66,035 रुपये और ऑन रोड कीमत है 81,900 रुपये और हीरो HF डीलक्स FI ड्रम ब्रेक की ऑन रोड कीमत है 81,055 रुपये और हीरो HF 100 की ऑन रोड कीमत है 74,915 रुपये और स्प्लेंडर प्लस ऑल ब्लैक कलर की ऑन रोड कीमत है 90,613 रुपये और स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की ऑन रोड कीमत है 93,266 रुपये। जो मैंने आपको बताई है SMSG हीरो शोरूम लेक टाउन क्लॉक टावर के पास, जो मारुति सुजुकी शोरूम के जस्ट नीचे वाला शोरूम जस्ट अभी ओपन हुआ है। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो सिटी का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।